गुड मॉर्निंग एवरीवन, स्वागत है एक बार फिर आप सबका मेरे इस नए ब्लॉग में। तो सुबह सुबह सारे काम ख़त्म करने के बाद मैं, मेरी मम्मी और मेरे पापा हम लोग सब रेडी हो गए थे एक जगह जाने के लिए। तो ये जगह कौन सी थी ये आगे के ब्लॉग में आपको पता चलेगा। और प्रियांश तो एज यूजुअल कहीं भी जाना रहता है तो जैसे एक्साइटेड होता है वैसे ही था। तो हमारी कैब आ चुकी थी, पापा ने कैब बुक कर दिया था, तो हम लोग अब बस जाने ही वाले थे। और ये बिल्कुल अर्ली मॉर्निंग का बात था, हम लोग करीब 9 बजे के अराउंड निकल गए थे घर से। और जाने के लिए रास्ता थोड़ा दूर था, 1 घंटे का रास्ता था। तो हम लोग को बात करते करते प्रियांश के लॉट्स ऑफ क्वेश्चंस के साथ हम लोग फाइनली पहुंच गए जहां जाना था। तो ये था मेरी भाभी का घर, जहां मेरी भाभी पहले से बिजी दिख रही थी, कुछ स्वागत की तैयारी में लगी हुई। फिर फाइनली हम लोगों ने घर के अंदर एंटर किया। मैं प्रियंका गेट पे ही पैर वैर छू के सबको वेलकम कर रही थी, काफ़ी अच्छा लग रहा था। वो हैप्पी फेसेस के साथ वेलकम कर रही थी। तो मम्मी को था कि मुझे देखना है मेरी बहू किस कैसे घर में रह रही है, कहाँ रह रही है। तो ये सब मम्मी को जानने के लिए क्यूरियोसिटी थी, तो देख रही थी। मम्मी जाके देख रहा, प्रियंका होम टूर करवा रही थी अपने घर का कि इधर ये है वो है, इधर मैं ये करती हूँ वो करती हूँ, सब कुछ बता रही थी। और मम्मी मेरे पीछे पीछे जाके सब सुन रही थी अपनी बहू का कि बहू कैसे रहती है, कैसे मैनेज करती है अकेले। और साथ साथ में प्रियंका कुकिंग भी कर रही थी। तो नाश्ते में उन्होंने बनाया था ये वेज नूडल्स और हक्का नूडल्स था, काफ़ी टेस्टी लगा और मैंने भी खाया। उसके बाद फिर हम दोनों ननद और भाभी लग गए थे लंच की तैयारी करने के लिए। तो एक साइड में मैं थोड़ा बहुत हेल्प कर दे रही थी और साथ साथ में प्रियंका भी लगी हुई थी कुछ कुछ बहुत सारी चीज़ों का। उन्होंने मेन्यू पहले से डिसाइड करके रखा था, मोस्ट ऑफ दीज आइटम तो उसने पहले ही प्रिपेयर करके रखा था ताकि वो जब हम लोग आए तो ज़्यादा बिजी ना रह सके। और सब कुछ उसने पहले से प्रिपेयर करके रखा था, बिल्कुल क्लियर शॉट था कि क्या बनना है क्या खाना है। तो बड़ा अच्छा लग रहा था। मुझे लगता था कि प्रियंका वर्किंग है तो घर मैनेज उतने अच्छे से नहीं कर पाती है, लेकिन घर भी बहुत अच्छे से मैनेज कर लेती है और हम लोगों को अच्छे से होस्ट कर रही थी। इतना एक्सपेक्टेड नहीं था जितने अच्छे से वो होस्ट कर रही थी हम लोग को। तो हम लोग दोनों ननद भाभी मिल के बातें कर रहे थे देर सारी और साथ साथ में दोनों के काम भी कर रहे थे, तो अच्छा लग रहा था। एज अ फ्रेंड्स हम लोग काम कर रहे थे, बातें कर रहे थे और वो अब घर के बारे में बता रही थी। उसके बाद एक साइड में हम लोगों ने यहाँ पे मशरूम बनाया था और छोले की तैयारी चल रही थी। और मम्मी पापा के लॉट्स ऑफ क्वेश्चंस थे प्रियंका के लिए, उन लोग के मन में बहुत सारे क्वेश्चन चलते रहते हैं, कैसे रहती है, क्या रहती है, कहाँ जाती है, कैसे जाती है, तो ETC बहुत सारे क्वेश्चन थे। तो एक साइड में मम्मी अपनी बहू को देख रही थी क्योंकि बहुत कम मौका मिलता है मम्मी को अपनी बहू के साथ रहने का। तो मम्मी अपनी बहू को देख भी रही थी, नोटिस कर रही थी कि कैसे खाना बनाती है। और उसके बाद फिर पापा के सवाल भी चल रहे थे, तो अच्छा लग रहा था, दिन अच्छा बीत रहा था। हम लोग दोनों बहुत अच्छे से बातें बातें कर रहे थे, बहुत सारी चीज़ें शेयर कर रहे थे। और कुछ मसालों के बारे में प्रियंका ऐसे पूछ रही थी मेरे से कि कैसे होते हैं क्या होता है, जैसे पुलाव के बारे में मैं क्या क्या डालती हूँ पुलाव में। तो ऐसे वो एक साइड में वो कुकिंग कर रही थी, मशरूम बना रही थी। तो ये मशरूम की रेसिपी मुझे न्यू लगी तो मैं उससे पूछ रही थी कि ये कैसे किया, तो वो उसका मैं देख रही थी और मेरा वो देख रही थी। तो दोनों मिलके बहुत अच्छे से कुकिंग कर रहे थे और मम्मी बीच बीच में सवाल कर रही थी। मम्मी को क्यूरियोसिटी थी कि कैसे मैनेज कर रही है वो। तो ऐसे चल रहा था हमारा दिन। और प्रियंका के पास भी सिर्फ 2 ही दिन का समय होता है, सैटरडे संडे, ऐसे तो पूरे वीकडेज में बिजी रहती है, ऑफिस वर्क बहुत ज़्यादा। प्राइवेट सेक्टर में तो जो करते हैं वो जानते हैं कि कितना बिजी शेड्यूल होता है और वीकेंड का क्या वैल्यू रहता है, क्योंकि जितने भी काम रहते हैं, जितने भी बाहर के काम रहते हैं, वो सब 2 दिनों में फिक्स करना होता है कि जल्दी से जल्दी 2 दिन में, ताकि वीकडेज में बिल्कुल फ्री रह सके ऑफिस वर्क के लिए। तो फाइनली प्रियंका ने सब्जी रेडी कर दी थी, ये मशरूम के काफ़ी डिलीशियस दिख रही थी और मशरूम की सब्जी बन गई थी। अब बनना था छोले और एक साइड में पुलाव बन गया था। तो अब छोले के लिए मैंने थोड़ी सी चॉपिंग कर दी, अब प्रियंका छोले बनाने वाली थी। तो अब छोले की तैयारी के लिए हम लोग डिस्कस कर रहे थे क्योंकि हम लोगों ने पहले पुलाव कुकर में बना दिया था, तो पुलाव को हमें वापस से टर्न करना होगा, उसके बाद छोले के लिए कुकर यूज़ करना होगा। क्योंकि प्रियंका यहाँ पर बैचलर लाइफ रहती है तो 2 कुकर उसने नहीं रखा हुआ है, बस 1 कुकर में काम चलाना रहता है। और बैचलर क्या फैमिली
थाली में भी एक ही कुकर रहता है, लेकिन हम लोगों ने गड़बड़ एक कर दिया कि हम लोगों ने पहले राइस को चढ़ा दिया, और साथ साथ में मेरा भाई भी ऊपर वीडियो कॉल पे, आप नोटिस कर सकते हैं कि मसालों के डब्बे के बीच में मोबाइल पे वो बातें कर रहा था हम लोगों से, वो उसको भी क्यूरियोसिटी हो रही थी कि क्या हो रहा है वहाँ पे, वो दूर रहता है हम लोगों से तो उसको भी लग रहा था कि मैं भी रहता तो वो मिस कर रहा था कि क्या चल रहा है कैसे चल रहा है। प्रियंका के लिए सारा चीज़ मैनेज कर रही थी हम लोगों को, तो भाई को भी क्यूरियोसिटी हो रही थी कि प्रियंका को कहीं प्रॉब्लम ना हो जाए कुछ अकेले सब मैनेज करने में, तो हम लोग बातें भी कर रहे थे साथ साथ में, दोनों काम भी कर रहे थे, मोहित भी हम लोग से बातें कर रहा था। तो ऐसे काम का पता नहीं चलता, आप भी जब भी कुकिंग करें तो कोई साथ में किचन में रहे और बातें करते करते तो ऐसे कोई किसी भी काम का पता नहीं चलता। यहाँ प्रियंका बोल रही थी कि मैं रोटियाँ भी बना देती हूँ, लेकिन मैं बोल रही थी कि नहीं यार सफिशियंट है, ये छोले हो गए हैं, पुलाव हो गया है, मशरूम हो गया है, साथ में मैंने यहाँ पे खीरे और सैलेड का रायता बनाया था, तो इतना सफिशियंट था। हम लोग अपने फैमिली मेम्बर्स थे तो इतना इससे ज़्यादा क्या हो सकता था। और प्रियंका को क्लीनिंग का बहुत शौक है, तो वो मैं जितने भी, मैं जनरली जब किचन में काम करती हूँ तो मैं किचन पूरा फैला देती हूँ, तो प्रियंका मेरे साइड में मैं जैसे किचन फैला रही थी वैसे ही वह क्लीन कर दे रही थी, तो ये चीज़ मुझे बहुत अच्छा लगा। बहुत कम लोगों में ये देखने को मिलता है कि किचन पूरा क्लीन रखना है, मैं ऐसे करती हूँ तो किचन पूरा फैल जाता है और मैं लास्ट में किचन को क्लीन करती हूँ। प्रियंका जैसे जैसे काम चल रहा था वैसे वैसे ही किचन क्लीन करते जा रही थी, तो खाना बल्कि बिल्कुल रेडी था और खाने में था ये पुलाव, छोले और ये मशरूम की सब्जी और यहाँ पे रायता था। तो सारे क्रेडिट गोज टू प्रियंका, थैंक्स प्रियंका फॉर दिस डिलीशियस लंच। तो फिर मम्मी पापा ने लंच किया, मम्मी पापा को लंच काफ़ी अच्छा लगा। फिर लंच के बाद मम्मी पापा सो गए थे, प्रियांश को नींद नहीं आ रही थी और फिर हमें भी नींद नहीं आ रही थी, तो हम लोग दोनों बैठ के बहुत देर तक बातें करते रहे थे और दोनों अपने कुछ कुछ इधर उधर की बातें कर रहे थे, जैसे ब्यूटी से रिलेटेड, हेयर से रिलेटेड बहुत सारी बातें की। तो उम्मीद करती हूँ आपको ये ब्लॉग अच्छा लगा होगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई ब्लॉग्स।